वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी गुड मॉर्निंग, जय माता दी ऑल फ्रेंड्स। आज है फर्स्ट नवरात्रि, जय माता दी। तो चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से फैला कर बेड पे ही फैला के रख दिया है और यहाँ पर भी फैला कर रख दिया। मंदिर के बर्तन मैंने नाइट में ही साफ़ कर दिए थे, तो मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे यहाँ चौकी सजानी है या, क्योंकि घर की सफाई नहीं की है मैंने, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही यहाँ जहाँ जहाँ माता रानी बैठेंगी वहाँ वहाँ की सफाई कर देती हूँ, बाकी तो रहने देते, क्योंकि आज पड़ेगा हमारे घर में लेंटर, तो इसी वजह से जितना है उतने में रहना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी कि चौकी मैं टेबल पर सजाऊँगी या मंदिर में ही सजाऊँगी, देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ की वीडियो ले रहे हैं स्वीटी, क्योंकि मैं कर रही थी नीचे की साफ़ सफ़ाई। तो मैंने बोला था स्वीटी आप वीडियो लिया और मैं नीचे मतलब सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी वॉइस डाल दूँगी। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, ये नीचे बीच के फ़ैन के लिए है। ये दो रूम निकलवाने वाले थे हम, पर हम अभी हम सोच रहे हैं कि इसको हॉल ही रखेंगे, रूम नीचे एक ही ठीक है, बाकी का ऊपर देखेंगे जो भी करना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो तो लेंटर पड़ने के बाद ही पूरा पता पड़ेगा, जब नीचे का जो किचन और वो बाथरूम, किचन और जीना टूट जाएगा ना, उसके बाद पता पड़ेगा क्या करना है। तो ये देखिए जो ये दूसरे फ़ैन के लिए है, वहाँ पर देखिए बीच में जो है क्या है। ये दो रूम अच्छे से बन सकते हैं, बट हमने अभी कुछ अलग चेंजिंग कर लिया है। और ये देखिए लाइटिंग के लिए ये सब छोटे छोटे जो बॉक्सेस से बन रहे हैं, ये लाइटिंग के लिए जो मल्टी लाइटें होती है ना उसके लिए काम आएगा। तो और ये पाइप जो साइड साइड जो जा रहे हैं इतनी लंबे लंबे यहाँ तक, ये है और उस साइड है और उस साइड है, ये लाइटिंग का बोर्ड के लिए है, जो नीचे बोर्ड लगेंगे, तो इसलिए ये सब करवा रहे हैं। और मतलब ये समझ लीजिए फ्रेंड, रात के 11:30 बजे हो रहा था लाइट फिटिंग के लिए, ये मतलब लाइटिंग का काम। तो मैंने वीडियो नहीं ली थी ना, स्वीटी ने ली थी, मैं नीचे का काम समेट रही थी और ऊपर स्वीटी ये काम करवा रहे थे। तो अब अंधेरे में हो रहा था और ऊपर से स्वीटी टॉर्च दिखा दिखा के करवा रहे थे। तो इसके फ्रेंड दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, दक्ष कर रहा है अक्षु को रेडी, तो चलो चलते हैं स्कूल। बाबू जल्दी स्कूल जाओ, आज घर में काम बहुत सारा स्टार्ट होने वाला है ना। चलो इसको उतारो, इसका बैग दे दे इसको, चल। तो फ्रेंड मम्मी पूजा करके जा चुकी हैं, अब जल्दी से मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर फिर आपसे आ गई हूँ और जल्दी से हो लेती हूँ मैं रेडी, जल्दी से हो लेती हूँ मैं रेडी, फिर मिलती हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक, तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं हमेशा ना फुल मांग भरती हूँ अपनी, ये देखिए पूरी मांग ऊपर तक भरी हुई है मेरी, मुझे ना पूरी मांग भरना ही पसंद है। और मैं हमेशा ड्राई सिंदूर ही लगाती हूँ, क्योंकि ड्राई सिंदूर ही रियल सिंदूर होता है, बाकी आप अपनी चॉइस से लुकेट लगा ही सकते हैं। मैं कभी लुकेट नहीं लगाती, और अगर बाय द वे लगाना भी पड़ जाए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमें कहीं पार्टी शादी में जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपना ड्राई सिंदूर लगाती हूँ, हल्का 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 उसके ऊपर से लुकेट वाला लगाती हूँ, ताकि वो फैले ना। लेकिन सूखा सिंदूर ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सूखा सिंदूर लगाना, और मेरे को ना हमेशा से मैंने सूखा सिंदूर लगाया। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ पूजा, पूजा करके आपसे मेरी पूजा हो गई है डन। ये देखिए हमारे यहाँ ना मतलब माता रानी को नई चुन्नी पहनाते हैं, उड़ाते हैं और नई नई चूड़ियाँ पहनाते हैं, और इसमें थोड़ी सी चूड़ी मेरे लिए भी रखी है। हमारे यहाँ नवरात्रों में ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, और हमारे यहाँ गोले पे ऐसे करके जैसे नौ नवरात्रे होते हैं ना, तो 9 बार कलावा लटक लपेटते हैं और ये टीका लगाते हैं गोले को। और हमारे यहाँ बतासों से पूजा होती है, और सबके यहाँ ही बतासों से होती होगी शायद, हमारे यहाँ तो होती है। और आप भी बताइएगा, ये माता रानी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पुरानी है, मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से स्वीटी को जल्दी आरती दूँ। टीका लाओ, हमको भी मालूम जय माता दी, जय माता दी, टाटा। फ्रेंड मैं भी टीका लगा लेती हूँ, चलिए आज कैमरे में देख के लगाती हूँ, देखते कैसा लगता है। अच्छा लगा है। मेरा अभी बर्थडे पड़ा था ना, अगस्त में पड़ता है मेरा बर्थडे, तो ये देखिए स्वीटी ने मेरे लिए बनवाई थी, कितनी प्यारी से है ना।
तो बताइएगा फ्रेंड में कैसी लग रही हूँ पूजा करके। पूजा पे ना वैसे जैसे रेड कपड़े महरूम कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसे कि ये लग रहा है मैंने किए थे आलू बॉयल और मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है, छील भी लिया है, कट भी कर लिया है। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करने चलती हूँ क्योंकि मम्मी का टिफ़िन जाएगा, मम्मी का है फास्ट, तो मम्मी कुछ लेके नहीं गई थी। तो फिर मैंने बोला था कि मैं बाद में टिफ़िन भिजवा दूँगी किसी के हाथ, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ फ्राई इनको और गरम गरम बना देती हूँ चाय क्योंकि मम्मी का टिफ़िन जाएगा। गरम गरम चाय और आलू, चाय कैसे भेजूँगी, चाय नहीं भेजूँगी आलू भेज दूँगी, चाय तो मम्मी वहाँ से पी लेती हैं स्कूल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू होने जा रहे हैं बॉइल, बॉइल नहीं फ्राई। होने लगे हमारे आलू फ्राई। फ्रेंड यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे फ्राई आलू भी और पापड़ भी और एंड चाय भी हमारी गरम गरम। तो चलिए मैं जल्दी से टिफिन पैक कर देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने आलू नीचे रख दे रही हूँ और ऊपर से थोड़े से पापड़ रख दे रही हूँ, ठीक है। ये मम्मी का टिफिन पैक होके जा रहा है, बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। वैसे बच्चे खाना ले गए हैं लेकिन फिर भी ये मम्मी के लिए टिफिन भेजिए, बच्चे खा लेंगे। एक मिनट एक मिनट। तो ये देखिए अच्छे से कर देते हैं इनको, एकदम टाइटली पैक कर देती हूँ मतलब ऊपर तक, क्योंकि खाना ये साथ ही खाते हैं ना मम्मी और बच्चे वगैरह, तो बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ क्या रेडी, अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, नवरात्रों में अगर घर में ये ना मिले ना तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो थी ये देखिए, दिख रही है ये, क्योंकि इनका होना ज़रूरी होता है। ये माता रानी की कुछ कहते हैं अच्छा होता है, ये नवरात्रों में ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। आप मंदिर जाओगे मंदिर में भी आपको मिलेगी देखने के लिए, तो इस वजह से ये माता रानी की होती हैं, तो ये घर में ज़रूर देखने को मिलती है। और जिस घर में आती है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो बस अच्छा लगा देख के कि फर्स्ट डे पे ही आ गई। दुबती नलाय मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर भी मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। नीचे वाली पूजा कराई थी मैं, जो मतलब मशीन पूजनी थी। ऐसा होता है ना कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा करने के लिए पूजा करते हैं, तो वहाँ पर मुझसे पूजा करवाई थी। वैसे मैं अक्षु से करवाने वाली थी बट अक्षु गई थी स्कूल तो वो नहीं कर पाई थी, फिर मुझे ही करना पड़ा। और घर की लक्ष्मी तो हमारी अक्षु है, मैं चाहती थी अक्षु करे पर वो अक्षु उस स्कूल में थी तो इसलिए नहीं कर पाई, फिर मुझे ही करना पड़ा। वैसे मम्मी बोलती तू भी तो घर की लक्ष्मी है ना, तो इस वजह से फिर मैंने की, पहले नीचे करके आई, फिर नीचे की पूरी वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि सीढ़ी अगरबत्ती लेने चले गए थे तो वीडियो बंद कर दी थी। फिर यहाँ की पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। पहले नीचे की है जो मशीन है, फिर ऊपर जो लैंटर पड़ेगा वहाँ पर मैं पूजा करूँ। यहाँ पर मैं अब चलाने जा रही हूँ अगरबत्ती, तो मैंने सारे बतासे भी रख दिए, बतासों से होती है और हल्दी से होती है और पानी एंड अगरबत्ती जलाई जाती है। तो यहाँ पर मैं अगरबत्ती जला रही हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं लगाऊंगी कहाँ, तो वो बता रहे हैं मिस्त्री जी कि यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ पर सही से लग जाएगी। तो मैंने कहा ओके, और मैंने चप्पल भी नहीं उतार दी, सबसे बड़ी बात मुझे किसी ने बोला नहीं और मैं भी नहीं बेवकूफ़ हूँ कि मैंने चप्पल उतारना भूल गई। फिर मैंने चप्पल उतारी और फिर मैंने की पूजा, और पूजा करके फिर मैंने यहाँ पर अगरबत्ती लगाई। लग नहीं रही थी बहुत मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से लग पाई अगरबत्ती, फिर लग गई। फिर मुझसे मिस्त्री बोल रहे थे कि चलो निकाल दो 551 रुपये, तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है
आप उन्हीं से ले लीजिएगा, आ जाएंगे। तो स्वीटी गए थे कुछ सामान लेने के लिए, यहाँ पर वीडियो कोई और कैप्चर कर रहा है मेरी, तो ये सारा ब्लॉग वहीं पे मैं उनको बोल रही हूँ कि वो आ जाएंगे तो उनसे ले लीजिएगा पैसे। तो वो बोले कि ओके चलिए ठीक है ले लेंगे उनसे। तो यहाँ पर मैं उनसे भैया से कह रही हूँ लाइए फ़ोन दे दीजिए, तो मैं उनसे फ़ोन लेने के लिए आ गई। मशीन चालू हो चुकी है, थोड़ी देर में मैं दिलवा दूंगी, ठीक है ना। पाओ भगवान जी के हल्दी का टीका नहीं लगता, वहाँ पूजा करनी थी, वहाँ पे मशीन पे पूजा करनी थी, ऊपर लेंटर पे पूजा करनी थी, मैं करके आई हूँ दक्षिण के पटके की पूजा। ये देखिए फ्रेंड्स लेंटर इतना सही डला अभी। चलते हैं हम ऊपर, देखते क्या हो रहा है ऊपर। बहुत सारा लेंटर डल चुका है, थोड़ा सा ही रह गया है, ये देख सकते हैं। बस इतना ही रह गया है, इतना सा रह गया है, बाहर लेबर लगी हुई है, ये देख लीजिए इतना और रह गया है। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। ये देखिए ये सीटी लेकर आए हैं मिस्त्रियों के लिए, मिस्त्री लेबर के लिए समोसे। मैक्सिमम लैंडर होने वाला है कंप्लीट, थोड़ा सा ही बस इतना एरिया रह गया है, वहाँ से सब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यहाँ बैठी है हमारी लेबर मम्मी दक्ष, दूसरी ले तीसरी लेबर वो बैठी है, एक लेबर नीचे है और मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिए मसाला पहुँचाया जा रहा है यहाँ से। फ्रेंड हमारे घर में बन रहे हैं व्रत के पकौड़े, मतलब कुटू के आटे के, ये बना रही हूं मैं ये बना रही हूं मैं। मेरी पूजा हो गई है डन, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है पकौड़े का, ठीक है। तो ये व्रत के होते हैं तो इसलिए इसी का भोग लगाते हैं हमारे यहाँ शाम के टाइम, ठीक है। तो चलते चलते हैं किचन में, मम्मी क्या कर रही है देख के आते एक बार। और यहाँ हो गए पकौड़े अपने डन। ये बन रहा है रायता, आलू वाला, आलू का रायता ना। और ये हमारे यहाँ बन गया आलू की सब्जी। फ्रेंड मैंने ये वाला दिखाया था
लेकिन इसका ना लेयर टूटी हुई है, मैंने आधा खा भी लिया इसको, देखिए कितना सारा खा गई मैं, इधर से खा गई, अभी भी मेरे माउथ में है। वीडियो स्टार्ट करना भूल गई थी, सॉरी। इसकी दो लेयर लिख ली थी, एक लेयर एक लेयर, मैं इसको खा चुकी हूँ स्टार्ट, सॉरी। और आशु डीवाल चैनल को जाकर चेकआउट कीजिए, उस पर रोज कंटिन्यू ब्लॉग आ रहे हैं। स्टार्ट का टेस्ट ओके ओके है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत छोटी हो गई, तो मैं इसको भी क्रंच करके फिनिश कर देती हूँ। तीन बार वीडियो मेरे से ऐसी हुई है कि फ्रेंड
मैं स्टार्ट करना भूल जाती हूँ, उसको पॉज हो जाती है तो ऑन करना भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। बताइएगा आज की क्रंच वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये फुल स्वेलो वीडियो थी, बट इसका ऊपर ऊपर वाला टेस्ट बहुत अच्छा था, नीचे का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने स्वेलो नहीं किया, जितना हो पाया उतना किया, उसके लिए सॉरी। लेकिन लिखना फुल स्वेलो है, ओके। और ये मैं किसी और वीडियो में लूँगी, क्योंकि इसका डिज़ाइन अपने आप में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्रंच के साथ। आशुटी वाले चैनल पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर न्यू व्लॉग आते रहेंगे। बाय। वीडियो इधर से बनानी चाहिए, उसी की देखे होते चांद इधर को कर देना, क्या कहते हैं इधर को आ जाओ, चांद देखना चाहिए। चांद भी ले लिया, इसको बना लेंगे। इधर इधर आओ, इधर चांद भी आ जाएगा, इसमें इधर से इधर को आ जाओ बेटा। पापा भी आ रहे हैं, आ रहे वीडियो पापा, दोनों को साथ में लिए। प्लेट तो रखो, वीडियो रोकना सीटी जरा, एक मिनट को इधर को आ जा दक्ष, जरा इधर को। ए, ये ऊपर ऊपर का ले रहा है, पूरा नहीं ले रहा ये वीडियो, एक सेकंड में देख रहा हूँ। है मैंने कहा टंकी टंकी ले रहा है बस, खाली कुत्ता नहीं तो। ये पापा के पैर छूना तो थोड़ी सी नीचे कर लियो ऐसे करके, ठीक है। अभी तो ऐसी रखी हो, जब मैं पैर छूना तब ऐसे कर लिए थोड़ी सी, फिर ऊपर लिए यो, ठीक है।
सरप्राइज। थैंक यू। क्या? ओ अच्छा अच्छा मैंने सोचा था कि कुछ और है। थैंक यू मेरी जन्नत। पेड फॉर यू। ऊपर वाले कमरे में छुपा कर रखते था। मैं बताऊं क्या होगा इसमें। चूड़ी सी लग रही है, चूड़ी सी लग रही है। खोलो। चूड़ी है। पायल है। वाओ अच्छी है। पहना लो। ऑलरेडी है। वाओ बहुत प्यारी लग रही है। सीटी ऐसी ही चाह रही थी ना, पतली पतली। मस्त लग रही है यार, डिजाइन बहुत प्यारा है। लेके डिजाइन बहुत प्यारा है ना, पतला पतला, जैसे पायल पैरों में अच्छी लगती है। थैंक यू बेबी डॉल। थैंक यू। लक्ष्मण कर दे। रोक दो मम्मी के पैर। पर्स अंदर रखो तो।